कि आपने मुझे बजट परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। मैं एक छोटे से दोहे के साथ अपनी बात को शुरुआत करता हूं। कर्म भूमि पर फल के लिए सबको श्रम करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। वित्त मंत्री मोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री मोदिया जी ने बजट में मेरे सादुलपुर का एक बार भी नाम ना लिया हो, चाहे हमें तो हर लफ्ज में सादुलपुर रटना ही पड़ता है माननीय सभापति महोदय, फिर भी मैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ना रहे मजबूरी में भी हमारा नाम आपके मॉडल CHC के माध्यम से, आपके आंगनबाड़ी के माध्यम से, आपके 5 करोड़ रुपए सड़क के माध्यम से हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने बजट में, मैं लंबी चौड़ी बातें न करते हुए सीधा मुद्दे पे जाना चाहता हूँ, इन्होंने बिजली पानी जो आम हमारे एक एक सदस्य की गंभीर समस्या है ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये बोलते हैं तो इनको ये विपक्ष की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक ये सरकारें आम मूलभूत सुविधा, बिजली और पानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो दोनों सरकारें 75 वर्ष में इस राजस्थान के आम नागरिक को देने में असफल रही हैं। जल जीवन मिशन जिस तरीके से घोटाले की बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना, उसकी जांच के लिए ये सरकारें कहती रही हैं, लेकिन ये आने के बाद उसकी जांच कराने में आज भी विफल रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, धरातल की स्थिति यह कि हर घर नल होगा लेकिन हर घर जल नहीं होगा, इसकी योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान में जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो मूल उद्देश्य और भाव है, जिस उद्देश्य से जनता को लाभ मिलना चाहिए था, इसकी मॉनिटरिंग करके सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की प्लानिंग करे, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से बिजली, इन्होंने सरकार ने बिजली 100 यूनिट पिछली सरकार ने मुफ्त में देने की बात करी, उस मुफ्त का परिणाम रहा कि बिजली घर से तार से चली गई और परमानेंट के लिए मुफ्त हो गई। और ये सरकार आने के बाद पिछले 2 माह में, चाहे इधर के सदस्य रहे हों, चाहे इधर के सदस्य, चाहे हम रहे हैं, सभापति महोदय, सबने 2 महीने में, पिछली बार इस 2 महीने में जो बिजली के लिए भुगता है, ऐसी व्यवस्था को सुचारू करें जिससे जनता को बिजली मिल सके। प्रधानमंत्री सूर्य योजना जो लागू करी है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान सरकार को, लेकिन उसको एक फ्लैगशिप योजना बनाकर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, जिससे जाकर इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ये योजना फिर कागजों के चक्कर में जनता घूमती रहेगी, ऑनलाइन के चक्कर में जनता घूमती रहेगी और कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब विद्युतीकरण के लिए 1,46,45,000 किसानों को 31 मार्च 2024 तक को इन्होंने बजट में काम कनेक्शन देंगे। माननीय सभापति महोदय, सरकार की हालात यह है कि पिछले 2 साल से लोगों के घरेलू और किसान के कनेक्शन आज भी पेंडिंग हैं और सामान के अभाव के कारण उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इनकी व्यवस्था करें तभी देकर, नहीं तो आपकी पेंडेंसी 2 साल 31 मार्च 24 की जब तक आप पूरा करोगे, तब तक आपकी 2 साल की पेंडेंसी आज इनके कारण है, वो आपके कारण हो जाएगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अलावा दूसरी बात, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, गांव में आबादी विस्तार, गांव में बसता है हिंदुस्तान, और उसका आबादी विस्तार पिछले 50 वर्ष में किसी भी सरकार ने इन गांवों के विस्तार के लिए विचार नहीं किया। लोग जाकर गोचर भूमि में निवास कर रहे हैं, सरकार के कोई भी योजना विकास की जो आती है, पहली बाधा है गोचर भूमि में उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार गोचर भूमि जो बसे हुए लोग, उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं, तब तक वो जो बसे हुए हैं तब तक उनको सुविधा देने का प्रयास करें, उनको सुविधा देने का काम करें। इसके साथ ही साथ आबादी विस्तार करने के लिए सरकार गंभीरता से विचार करे, गांव में अगर आबादी विस्तार नहीं होंगे, गांव के लोग कहां बसेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। मानो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कह रहे थे कि 3 करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, आप कैसे दोगे? जिनको लाभार्थी हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, वो या तो गोचर में बसे हुए हैं, वो भूमिहीन लोग हैं
जिनको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार इस प्रधानमंत्री आवास योजना में भूमि की व्यवस्था साथ साथ करने का प्रयास करे। आजादी के बाद देश की जनसंख्या खूब बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के कारण इनका विस्तार किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, इन्होंने घुमंती जातियों की एक बात चर्चा करी, लेकिन कभी सरकार ने इस बात पर भी विचार किया कि घुमंतू जातियों को आज तक स्थायीकरण करने के लिए, उनको बसाने के लिए, उनको ठहराव करने के लिए किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया। इसलिए घुमंतू जातियों के ठहराव के लिए पूर्ण रूप से, माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी में अकेला बोलूंगा, 10 मिनट का मेरा समय है, इसलिए मैं 10 मिनट तक मेरी बात वक्ता और है। माननीय सभापति, मेरी पार्टी के लेवल का मैं 10 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की बात करना चाहता हूँ। किसान के लिए किसान फसल बीमा एक बहुत बड़ी योजना है जिसका किसान को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किसान के साथ अन्याय होना शुरू हो गया है। किसान का जब प्रीमियम की बात आती है, सरकार एक निर्धारित तारीख करती है, एक दिन भी अगर देरी हो जाए तो किसान अपना बीमा नहीं करा सकता। अगर वो देरी के कारण अगर बीमा नहीं करा सकता तो फिर किसान को क्लेम देते समय सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। दो दो वर्ष से मेरे विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2018-22-23 और रबी 24 का क्लेम आज तक बीमा कंपनी ने नहीं दिया, और बीमा कंपनी ने झूठी आपत्तियां लगाकर बीमा को देरी करने का प्रयास कर रही है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप किसानों को जब भी जितनी देरी बीमा कंपनी के कारण होती है उतना ब्याज किसान को क्लेम के साथ दिलाने का सरकार को योजना बनाए। इसमें किसान का एक एमएसपी की बात, केंद्र सरकार ने एमएसपी की रेट बढ़ाई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सदन में, एमएसपी की रेट तो बढ़ा दी, लेकिन किसान जब एमएसपी पर बेचने जाता है उस समय किसान की क्या हालात है? किसान को आज भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि किसान को पूरे 12 महीने में कभी भी किसान अपनी उपज को जब बेचना चाहे उस समय किसान को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए माननीय सभापति महोदय, एक दो मैं मेरी मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक तो नहर का मुद्दा जो दिया, मेरे वहां सिद्धमुख नहर की मुरबाबंदी और चकबंदी का बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है। सरकार इस बजट में जब अपना प्रत्युत्तर दे तो हमारी उस नहर से वंचित किसानों को लाभ देने के लिए मुरबाबंदी और चकबंदी की घोषणा करे। एक सरकार ने आज कल मेरे क्वेश्चन को सदन में स्थगित कर दिया, उस यमुना पाइपलाइन का जो एमओयू हुआ, माननीय सभापति महोदय, 60 करोड़ की डीपीआर के लिए आपने जो प्रावधान किया, उस डीपीआर का क्या करोगे? आपका 4 महीने का एमओयू का समय बीत गया है, सरकार ने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा के माध्यम से मेरे रामपुरा में पीएचसी को सीएचसी, शांकुश सीएचसी को मैं मॉडल सीएचसी की बात करना चाहता हूं। एक दो बात मेरी बात को सभापति महोदय, एक तो मैं श्रमिक रिपोर्ट कार्ड, एक खाद्य सुरक्षा की बात और करना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल निश्चित रूप से खोला जाए जिनको लाभ मिल सके, और श्रमिक रिपोर्ट कार्ड में तो भ्रष्टाचार घंटा बन गया। माने सभापति महोदय, प्राचीन मंदिर इसमें श्रमिकों की किसान नीति की तरह जो श्रमिक भूमि लोग हैं उसके लिए उनको भी सरकार कुछ देने का प्रयास करे। इस बजट में पूरे धन्यवाद हमें निराश करने